गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पोएम करवाई थी, है ना। तो उसको हम विद एक्शन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जब आप कोई भी मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मुझे सेंड करते हैं किसी भी टाइप की, तो फिर आप जो हो सबसे पहले अपना नाम बताएं, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो बताएं, और फिर आप अपने स्कूल का नाम बताएं, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करने जा रहे हैं, आप पोएम बताने जा रहे हैं कि आप काउंटिंग सुनाने जा रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसको आप बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करें, ठीक है, थोड़ी सी इंट्रो के बाद। अब मैंने जब कल आपको कविता कराई थी उसको आपने विद एक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे गोल गोल पानी मम्मी मेरी रानी, गोल गोल पानी मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, पापा मेरे राजा, पल खाए ताजा, पापा मेरे राजा, पापा मेरे राजा, पल खाए ताजा, सोने की चिड़िया, जैसे आपने उड़ानी है, ठीक है, सोने की चिड़िया, चांदी का दरवाज़ा, सोने की चिड़िया, चांदी का दरवाज़ा, उसमें कौन आएगा, उसमें कौन आएगा, मेरा भैया राजा, उसमें कौन आएगा, मेरा भैया राजा, ठीक है। और ये तो मतलब कि लड़कियां करेंगी कि उसमें कौन आएगा मेरा भैया राजा, और लड़कियां कैसे करेंगी लास्ट वाली लाइन को, जैसे सोने की चिड़िया चांदी का दरवाज़ा, सोने की चिड़िया चांदी का दरवाज़ा, उसमें कौन आएगा, ऐसे ना, उसमें कौन आएगा मेरी प्यारी बहना, उसमें कौन आएगा मेरी प्यारी बहना, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा एक्शन के साथ इसको अच्छे से करें विद एक्सप्रेशन। तो उसके बाद मैं आपको एक बार म्यूज़िक के साथ भी अच्छे से आपको सेंड करूँगी, ठीक है। तो ये है मेन कि जब भी आप कोई एक्टिविटी सेंड करते हैं, कुछ भी सेंड करते हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद करें। ओके, थैंक यू।